डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। बच्चों, आपका टॉप 10 क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आपका यूपी बोर्ड का साइंस का पेपर क्लास 10th का 4 तारीख को होने वाला है बच्चों, और उसके लिए हम आपका चैप्टर 4th जो आपका कार्बन और उसके यौगिक हैं उसके महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन लग रहे हैं बच्चों, जिसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसके संबंध में आपका हम देखते हैं। तो बच्चों, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन लगा हुआ है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वह इसके प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले यदि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, तो सबसे पहले बच्चों आपको लिखना होगा प्रश्न उत्तर नंबर 1। सबसे पहले कैसे लिखें बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कैसे लिखेंगे, अगर डायरेक्टली हमें आंसर लिखना है, आंसर देना है, तो प्रश्न उत्तर नंबर क्या लिखें बच्चों, 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर देखिए क्या है हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वर्ड से ही बच्चों क्लियर है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। बच्चों ये क्या आपका हाइड्रो है और ये क्या आपका कार्बन है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स बच्चों कार्बन। तो कहने का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक, तो क्या कहें बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो से हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन, तो बच्चों कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है ना, तो यहां पर लिख दिया बच्चों ब्रैकेट में सी, जिसमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रति बच्चों एच, उपस्थित हो, क्या बच्चों कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं आपका, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों या ऐसे यौगिक जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन मिले उसको हम क्या कहें बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे बच्चों मार्स गैस आपने सुना होगा डैम्प फायर, तो मार्स गैस जैसे बच्चों मीथेन, जैसे यदि बच्चों यहां पर एग्जांपल की बात करें, जैसे CH4, ये क्या बच्चों आपका मीथेन है, और मीथेन का बच्चों मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, और इसको बच्चों हम डैम फायर भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे बच्चों हम आपका लिख रहे हैं कार्बन हो और क्या बच्चों हाइड्रोजन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यदि बात करें बच्चों प्रकार की, यदि हम बात करें हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो बच्चों आपको पता है कि जो कार्बन होता है बच्चों एक अधातु होता है, और कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बच्चों कार्बन को जरूरत होती है 4 इलेक्ट्रॉनों की, और 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होने के कारण कार्बन बनाता है आपका बच्चों कोवैलेंट बांड, सहसंयोजी बंध बनाता है। अब सहसंयोजी बंध जो बनाता है बच्चों वो आपके मेनली ये बच्चों या तो एकल बंध बनाता है कार्बन, या तो बच्चों ये कार्बन डबल बंध बनाता है, या तो ये कार्बन क्या बनाता है, त्रिबल बंध बनाता है।
अगर बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होगा तो बच्चों ये क्या होगा, संतृप्त होगा, क्योंकि बच्चों जो पहला बंध बनता है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वह आपका सिग्मा बंध होता है। क्या होता है बच्चों, सिग्मा होता है, और सिग्मा बंध जो बच्चों क्या होता है आपका, मजबूत होता है। और ये बच्चों इसमें एक पाई होता है और एक क्या होता है आपका, सिग्मा होता है। और इसमें बच्चों एक सिग्मा होगा और दो बच्चों आपके क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बंध होगा तो सिग्मा होगा बच्चों, और यदि कार्बन और कार्बन के बीच बच्चों एक क्या होगा, डबल बंध होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और यदि कार्बन और कार्बन के बीच बच्चों ट्रिपल बंध होगा तो एक सिग्मा दो क्या होगा बच्चों, पाई होगा। तो सिग्मा बंध जो बच्चों कैसे होता है आपका, सिग्मा बंध बच्चों आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अब बच्चों बात करें कि आपके ये पाई बंध है और ये क्या बच्चों आपका पाई बंध है, यहाँ पर दो हो गए बच्चों और सिग्मा क्या है एक है, यहाँ पर सिग्मा क्या है एक है, यहाँ भी सिग्मा क्या बच्चों एक है। तो कहने का मतलब सिग्मा इसमें क्या होंगे, एक होंगे, और सिग्मा बच्चों क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है बच्चों आपका, मजबूत होता है। पाई बच्चों क्या होता है, कमजोर होता है। अब बच्चों ये बंध मजबूत है, जब भी कोई सिग्मा बंध होगा उसको तोड़ना बच्चों क्या होता है, कठिन होता है। अब बंध को तोड़ना बच्चों जब आपका कठिन होगा तो ये क्या होगा, संतृप्त होगा। इस तब इसे हम क्या कहेंगे आपका, संतृप्त कहेंगे बच्चों। और इसमें भी बच्चों एक पाई है, मतलब यहाँ पर भी एक कमजोर बंध है और यहाँ पर बच्चों क्या एक कमजोर बंध है, दो कमजोर बंध यहाँ पर, एक कमजोर बंध यहाँ पर है। तो इसको बच्चों हम क्या कह देते हैं, दोनों को असंतृप्त कह देते हैं। क्या कह देते बच्चों, असंतृप्त कह देते हैं। तो कहने का पूरा मतलब कि अगर बच्चों आपका केवल सिग्मा बंध होगा तो उसको तोड़ना कठिन होगा, और यदि तोड़ना कठिन होगा बच्चों तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। तो आपका बंध तोड़ना कठिन तो किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करेगा, और यदि बच्चों आपका ये होगा डबल बंध या ट्रिपल बंध होगा तो इस पे मिलेगा पाई, और जब पाई मिलेगा तो पाई बंध तोड़ना क्या होता है बच्चों, ईजी होता है, आसान होता है। तो ये क्या होता है बच्चों, असंतृप्त होते हैं, किसी से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो अगर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा तो उसे हम कहेंगे संतृप्त, और डबल होगा या त्रिबल हो तो क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे। तो लिख लिया जाए बच्चों, तो यहां पर आपका हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने प्रकार है बच्चों, दो प्रकार के, एक होता है बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जब कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध हो, एकल बंध हो, तो वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन और कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, जैसे बच्चों कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, क्या बच्चों एकल बंध मतलब बच्चों सिंगल वन, क्या बच्चों आपका सिंगल बॉन्ड हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यदि बच्चों इसके बात किया जाए एग्जाम्पल की, जैसे कि बच्चों, तो जैसे बच्चों आपका CH3 और बच्चों CH3, तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि आपके जो कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है और अगला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इससे बच्चों तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हमने आपके तीन हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दिए, और इसके बच्चों हमने क्या किया, तीन हाइड्रोजन दिखा दिए। तो इससे बच्चों बताइए कार्बन कार्बन के बीच क्या आपको एकल बंध केवल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अगर बच्चों केवल एकल बंध है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला बंध बनता है, शुरू वाला बंध बनता है, वह बनता है सिग्मा। तो यहाँ पर बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच क्या एकल बंध है, मतलब सिग्मा है, और सिग्मा बच्चों क्या होता है, मजबूत होता है, और मजबूत होता है बच्चों ये क्या होगा आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा।
तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं बच्चों आपका असंतुलित हाइड्रोकार्बन क्या होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, तो इसके संबंध में आओ हम जाने। अभी बच्चों हमने बताया आपको यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद या ट्रिपल बंद तो वहां पर आ जाएगा बच्चों पाई बंद, और पाई बंद हो जाता है बच्चों आसानी से टूटता है, इसलिए से हम क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कहने का मतलब कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध मतलब बच्चों डबल बंड द्विबंध या त्रिबंध मतलब बच्चों ट्रिपल बंड द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसको क्या बच्चों आपका हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों यदि कार्बन और कार्बन के बीच अब क्या पा जाए डबल बंध पा जाए या तो क्या पा जाए बच्चों त्रिबल बंध पा जाए तो उसको क्या कहेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो जैसे मैं बच्चों अगर जैसे की बात करें तो जैसे बच्चों हमने लिखा CH2 डबल बंध CH2, इसका नाम होता है बच्चों एथीन और इसको कहते हैं बच्चों एथिलीन। अब बच्चों ये आपका संतृप्त है कि असंतृप्त है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध नजर आ रहा है बच्चों डबल बंध ने, और डबल बंध है तो बच्चों ये आपका क्या होगा असंतृप्त होगा। क्या होगा बच्चों आपका असंतृप्त होगा। जैसे बच्चों आपका एग्जाम्पल लिखा हमने CH त्रिबल बंध और CH, तो इसका नाम बच्चों एसीटिलीन, इसका क्या नाम बच्चों होता है आपका एसीटिलीन। तो ये बच्चों नाम याद रखिएगा आपकी एग्जाम में वैसे ही पूछ सकता है एसीटिलीन। अब एसीटिलीन, अब बच्चों देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध त्रिबल बंध, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे बच्चों। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको। अब बच्चों अब हम आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों जो एल्केन है और क्या बच्चों एल्कीन है और क्या बच्चों आपका एल्काइन है। तो एल्केन क्या होता है एल्कीन क्या होता है बच्चों एल्काइन क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कहा एल्केन, तो बच्चों एल्केन क्या होता है, तो एल्केन बच्चों अपने संतृप्त पढ़ाना बच्चों, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन कह सकते हैं। तो क्या कहा बच्चों हमने यदि कार्बन कार्बन के बीच बच्चों एकल बंध हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं एल्केन कह सकते हैं, एल्केन होता है। तो क्या कह सकते हैं बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो उसे क्या कहते हैं बच्चों संतृप्त कहते हैं, या तो क्या कहिए
उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं, या तो बच्चों आप क्या से कह सकते हैं, एल्केन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और बच्चों यदि एकल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच, इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्केन भी कह सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों, एल्केन कहते हैं। और बच्चों यदि इनका सूत्र की बात करें तो तीनों का सूत्र एल्केन का और एल्कीन का और बच्चों आपके एल्काइन का, तीनों का फार्मूला हम यही समझा रहे हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चों यदि आपको CH4 लिखना तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने अज्यूम किया ये आपका एक फार्मूला CnEH2n+2, तो यहाँ पर कार्बन एक है ना, तो यह बराबर एक रख के बताइए क्या होगा, C C1H2 × 1+2। तो बच्चों क्या निकल के आया, सी दो करना दो और दो दो चार CH4। तो बच्चों कहने का मतलब, तो यहाँ पर बच्चों ये दो क्या है, ये दो क्या है बच्चों, हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। CnEH2n में बच्चों CnEH2n+2 में जो आपका CnEH2n+2 में बच्चों ये आपका दो होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है। और ये हाइड्रोजन परमाणु बच्चों अगर यही हम निकाल दें बच्चों, तो मतलब क्या लिख दे आपका CnEH2n लिख दे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन हो जाएगा। और यही बच्चों हमने क्या किया, यदि आपका यही दो हाइड्रोजन आपका क्या करें घटा दे, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एल्काइन हो जाएगा। और बच्चों ये फार्मूला आपके लिए, ये एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का बच्चों क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एल्केन कह सकते हैं। और यदि कार्बन कार्बन के बीच बच्चों क्या हो, द्विबंध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या बच्चों, त्रिबंध हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एल्काइन कह सकते हैं, एल्काइन कहेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे बच्चों एल्केन का अगर आपको लिखना है कोई एग्जाम्पल उदाहरण, तो इनका एक इनका सामान्य सूत्र लिखिए बच्चों, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n 1, 2, 3 डॉट डॉट है। ठीक बच्चों, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या बच्चों, जैसे आपका CH4, तो ये क्या बच्चों आपका एल्केन है। अगर बच्चों हम आपके बात करें एल्कीन का, एल्कीन का क्या बच्चों, यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या द्विबंध हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिससे बच्चों कार्बन कार्बन के बीच क्या द्विबंध हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो, द्विबंध हो, उसे क्या कहें बच्चों, उसे हम एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और बच्चों इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों आपका, CnH2n होता है, जहां
एन बराबर बच्चों एक नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन में कम से कम तो दो कार्बन होने ही चाहिए, कम से कम दो कार्बन होने चाहिए। तो दो तीन चार डॉट डॉट होता है बच्चों। चलिए अगर आप उदाहरण की बात करते हैं बच्चों, तो आओ इसके लिए हम उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण जैसे बच्चे हमने लिखा आपका सी एन एस टू एन, तो फार्मूला होता है बच्चों, चलिए एन बराबर दो रखिए, तो सी टू एच टू इंटू टू मतलब सी टू एच फोर। और स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बच्चों, कितने कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन लगाइए। तो बच्चों कितने हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो अगर बंटवारा करेंगे तो दो ये ले जाएगा, दो ये ले जाएगा, मतलब ये बच्चों ले लिया दो और दो ये ले लिया। अब डबल बंद बचा, अब बच्चों दो बंद बचा ना आपका, क्योंकि कार्बन चार बंद बनाता है, दो बंद तो बना चुका है कार्बन, ये भी दो बना चुका, तो दो बंद और बना, तो ये क्या बच्चों आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों आपका एल्काइन क्या होता है, एल्काइन, एल्काइन क्या बच्चों, एल्काइन बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या बच्चों त्रिबल बंध हो, तो उसे एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आपका, एल्काइन कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र बच्चों, एल्काइन हमने क्या बताया आपको, सी एन एच टू एन माइनस टू, तो इनका सामान्य सूत्र सी एन एच टू एन माइनस टू होता है, जहां एन बराबर दो तीन चार डॉट डॉट होता है। तो बच्चों आपका जनरल फार्मूला क्या है बताइए, जैसे में सी एन एच टू एन माइनस टू, चलिए बच्चे एन बराबर दो रखिए, तो क्या पाएंगे आप, तो सी टू एच टू इंटू टू माइनस टू, तो क्या होगा सी टू, दो दूनी चार में से दो गए सी टू एच टू, कार्बन बच्चों कितने दो है, तो दो कार्बन बनाइए, और दो हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन ए लेगा एक हाइड्रोजन ये, तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध बचे बच्चों, तीन, हमने तीन बंध लगा दिया, तो ये क्या बच्चों एल्काइन है आपका। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर दो आपका खत्म हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें, तो जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, तो आपने बच्चों पढ़ रखा है जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है बच्चों। तो जैव शक्ति सिद्धांत बच्चों स्टार्टिंग में बर्जीलियस बच्चे बहुत बड़े रसायनज्ञ रहे, इन्होंने कार्बनिक यौगिकों के बारे में सबसे पहले संकल्पना अपनी दी थी। इन्होंने अपनी जो परिकल्पना बताई बच्चों, जो सिद्धांत दिया, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम केवल जीवों से प्राप्त कर सकते हैं, हम इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। तो ये जैव शक्ति सिद्धांत है बच्चों। तो जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत क्या बच्चों, इन्होंने बताया कि बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक की कार्बनिक यौगिक
को केवल जियो द्वारा कार्बनिक यौगिक को केवल जियो द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बच्चों जैसा सिद्धांत था, इन्होंने क्या बताया कि जो कार्बनिक यौगिक है बच्चों उसको हम क्या कर सकते हैं, केवल जियो द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। तो इन्हीं की स्थिति है बच्चों एफ होलर ने। अब बच्चों यदि खंडन की बात करें, इनके सिद्धांत का खंडन, तो एफ होलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया, क्या बच्चों यूरिया बनाकर इनके सिद्धांत का खंडन किया, इनके सिद्धांत क्या क्या बच्चों खंडन किया। तो इसके बाद बच्चों आपके कोल्बे आए, कोल्बे ने तत्वों को संश्लेषित किया और उससे एसिटिक अम्ल बनाया। तो बच्चों तो अमोनियम साइनेट NH4CNO, यदि बच्चों इसको हम हीट करेंगे तो आपका क्या है, तो आपका ब्रेक होगा NH2CO बच्चों NH2, आपका यही क्या होगा रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों यूरिया बन जाएगा। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत का खंडन किसने किया था, एफ वोलर ने किया था। और बच्चों आप NCERT में देखें तो वोलर इस प्रकार से लिखा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोलर या ओलर तो ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में बच्चों क्या बना यूरिया, तो प्रयोगशाला में पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे यूरिया बना था, इसके बाद एसिटिक अम्ल बना था जिसको कोल्बे ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप क्या, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्रियात्मक समूह क्या है बच्चों। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक बच्चों एक तो हाइड्रोकार्बन होता है और एक क्रियात्मक समूह होता है बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। और जो बच्चों हाइड्रोकार्बन होता है वह भौतिक गुण निर्धारित करता है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह रासायनिक गुण निर्धारित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो अगला क्या बच्चों क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या बच्चों, वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो आपको बच्चों चार क्रियात्मक समूह कम से कम तो याद रखने हैं। इसको बच्चों आप याद करके जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि समूह का नाम उसको बच्चों प्रदर्शित कैसे करेंगे प्रतीक, और बच्चों उसका अनुलग्न। तो सबसे पहले बच्चों यदि हम वरीयता के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक समूह होता है बच्चों, और इसका प्रतीक COOH होता है बच्चों, और अनुलग्न लगाते जो द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी बच्चों जो लगाएंगे द्वितीयक अनुलग्न। यहाँ आपने अनुलग्न लिखा है कि क्लास 10 के सिलेबस में केवल बच्चों द्वितीयक अनुलग्न की बात की गई है, प्राथमिक की नहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्टली अनुलग्न लिखा है। तो आप जानते रहिए अनुलग्न बच्चों क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ओइक अम्ल, मतलब क्या बच्चों ओइक एसिड। जब ये उपस्थित होगा इसके प्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। और दूसरा बच्चों क्या है आपका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह बच्चों क्या होता है, CHO होता है, और इसके लिए बच्चों हम क्या लगाते हैं, अल। और अगला क्या बच्चों आपका, कीटो समूह। और कीटो समूह के बच्चों हम क्या लगाते हैं आपका, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं आपका, ओन, ONE। और लास्ट में बच्चों आपका क्या आता है, हाइड्रॉक्सी या बच्चों एल्कोहाली, इसको हम क्या आता है, एल्कोहाली। समूह, और इसके लिए बच्चों क्या लगाते हैं आपका, OH। OH के लिए बच्चों क्या लगाते हैं आपको, आल, OL। ये बच्चों क्या आपका, OL। तो कम से कम बच्चों ये आपके क्रियात्मक समूह आपको याद होने चाहिए, ये क्रियात्मक समूह बच्चों आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपका क्रियात्मक समूह क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। और अगला बच्चों क्या है आपकी, सजातीय श्रेणी क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सजातीय श्रेणी बच्चों क्या है इसके बारे में और हम जाने। तो बच्चों आपके क्रियात्मक समूह को लेकर के अलग अलग श्रेणी बनाई गई, जैसे कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध को लेकर के अलग श्रेणी बनाई गई, द्विबंध को लेकर के एक अलग श्रेणी बनाई गई, त्रिबंध को लेकर के एक अलग श्रेणी बनाई गई, कार्बोक्सिलिक समूह को लेकर एक अलग श्रेणी बनाई गई। तो कहने का मतलब अलग अलग क्रियात्मक समूह को लेकर के अलग अलग श्रेणी बनाई गई, मतलब लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान होते हैं बच्चों। तो आपका क्या है, सजाती श्रेणी, सजाती बच्चों, समधन जाति, सजाति का अगर संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो समधन जाति, और सम मतलब बच्चों क्या होता है, समान। तो समधन जातीय और सम मतलब होता है बच्चों आपका समान, और जाति मतलब क्या होता है बच्चों, क्रियात्मक समूह। तो वह श्रेणी जिसमें क्या आपके समान क्रियात्मक समूह हो उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसका डेफिनेशन, वह श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें समान, जिसमें समान क्रियात्मक समूह हो, वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह हो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, सजातीय श्रेणी कहते हैं। और यदि बात करें बच्चों इसकी विशेषता की, यदि बात करें बच्चों इसकी विशेषता की, तो सबसे पहले बच्चों अगर आपके क्रियात्मक समूह समान है बच्चों, तो कहने का मतलब अगर आपने क्रियात्मक समूह समान रखा तो रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। और चेंज क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बदलता है बच्चों, जैसे हमने लिखा CH3 OH, CH3 CH2 OH। तो इसे बच्चों आप देखिए हाइड्रोकार्बन चेंज हो रहा है, लेकिन OH क्या दोनों में समान ही है, हाँ,
अगर OH दोनों बच्चों हैं एक जैसा है, तो अगर ये समान है तो इसे हम क्या कह देंगे बच्चों, कि इसके रासायनिक गुणधर्म समान है। रासायनिक गुणधर्म बच्चों क्या इसके समान है, लेकिन क्या आपका हाइड्रोकार्बन बदल रहा है बच्चों? हाँ, तो हाइड्रोकार्बन में बच्चों क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपका भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो दो पॉइंट निकल के आया। पहला पॉइंट क्या बच्चों, कि सजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो क्या निकल के आया बच्चों, सजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दूसरा बच्चों, सजातीय श्रेणी के भौतिक गुणधर्म क्रमिक परिवर्तन होगा बच्चों। हाँ, सजातीय श्रेणी के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब थर्ड आ जाइए बच्चों आप सब। जैसे बच्चों आपने लिखा CH4, इसमें कितने कार्बन बच्चों, एक कार्बन के बाद कितने कार्बन है, दो कार्बन आएंगे बच्चों। तो क्या होगा अगला, C2H6 होगा। तो बच्चों यहाँ पर बताइए, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो कितने कार्बन ऐड करने पड़ेंगे, एक कार्बन। कितने हाइड्रोजन ऐड करने करेंगे बच्चों, दो हाइड्रोजन। तो मतलब किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच कितने का अंतर होगा, CH2 का अंतर होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, सजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो बच्चों और बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, तो आप लगभग दो विशेषता तो याद रखिए बस, और ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजनीकरण के बारे में बच्चों, कि जो एल्केन और एल्कीन होते हैं बच्चों, जो बच्चों एल्काइन या एल्कीन होंगे, अगर हमें उनको संतृप्त बनाना है, एल्केन में चेंज करना है, तो बच्चों हमें हाइड्रोजन ऐड करना होगा। जैसे बच्चों ये आपका CH2 है, तो क्या बच्चों एल्कीन है, अगर आपको ऐसी एल्केन बनाना तो क्या करेंगे, कितने हाइड्रोजन लाएंगे बच्चों, दो हाइड्रोजन और लाएंगे, तो आप दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब दो हाइड्रोजन बच्चों ऐड करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, उत्प्रेरक निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। यदि रखे बच्चों तो आपका ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ बच्चों आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ बच्चों एक हाइड्रोजन इस प्रकार से रखिए, इस प्रकार दो हाइड्रोजन में रख दिया, तो एक बंद बच्चों एक कार्बन से बनेगा, और ये बंद बच्चों क्या होगा आपका यहाँ पे आएगा, और ये बंद बच्चों आपको क्या हो जाएगा, ये बंद यही बंद बच्चों आपको क्या यहाँ पे जाएगा, और ये बंद बच्चों यहाँ पर आएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों आपका CH3, और बच्चों क्या बन गया CH3। तो ये क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजनीकरण है। एल्केन हो या एल्काइन, अगर उसको आपको संतृप्त बनाना है तो उसे क्या करेंगे,
निकिल प्लैटिनम या पलाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका हाइड्रोजनीकरण करा देंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एल्केन बन जाएगा। तो मतलब जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल प्लेटिनम प्लैडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों से हम क्या आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाती है। जिसे हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो ये बच्चों हाइड्रोजनीकरण रहा। और IUPAC पद्धति क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं। तो IUPAC क्या है बच्चों, तो IUPAC कार्बनिक यौगिकों की जब संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके नामकरण करने के लिए IUPAC ने एक विधि प्रस्तुत की, रसायनज्ञों ने एक विधि प्रस्तुत की जिसको हम IUPAC या IUPAC कहते हैं। और इसका पूरा नाम बच्चों क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और बच्चों हम आपको बता दें ये आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो आपको रटना नहीं है, बस आपको IUPAC क्या है, IUPAC इतना जानते रहिए। ये पूछ सकता है बच्चों कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधि है, तो ये बच्चों आप जानते रहिए। और यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बच्चों जो डाउट्स हो उसे लिख दीजिएगा, या तो बच्चों वाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको नंबर गिवन है, वहाँ से आप अपने क्वेरी अपने डाउट्स बच्चों पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।